भारतीय जनतंत्र मोर्चा की ओर से रांची लोकसभा सीट से प्रत्याशी धर्मेंद्र तिवारी ने मौजूदा लोकसभा चुनाव और झारखंड के राजनीतिक मुद्दों पर रूबरू हुए रफ्तार मीडिया के संवाददाता शंकर ठाकुर से खास बातचीत की। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के रांची लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र तिवारी हमारे साथ है और उनसे मैं, चूंकि चुनाव का माहौल है, उनसे मैं बातें करूंगा, जानने का कोशिश करूंगा कि आखिर में जनता का सपोर्ट उन्हें कैसे मिल रही है। पहला प्रश्न है कि कल यहाँ पे रांची की राजधानी रांची में जो चुटिया जैसे क्षेत्र में गृह मंत्री का दौरा होता है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए नमस्कार, गृह मंत्री जी चुटिया में आते हैं वो जाति समीकरण के तहत आए हैं कि हमारा वोट बिखरे नहीं, उनको डर हो गया है मुझसे। मेरी जो पार्टी है भारतीय जनतंत्र मोर्चा का, मैं प्रत्याशी हूँ, वो डरे हुए हैं, इसलिए यहाँ नेता पर नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी आ रहे हैं। उन्होंने चुटिया को ही क्यों चुना, पहली बात, और रातुरोड़ो क्यों नहीं चुना? दूसरा, हमने देखा कि जो 5 बार से विधायक हैं, जिनको लोकप्रिय विधायक कहते हैं, सीपी सिंह जो कल नदारद थे, जातीय समीकरण के तहत उन्होंने वहाँ के लोगों को रुझाने की कोशिश किया है कि हम आपके हैं, लेकिन यदि हम आपके हैं तो वहाँ के लिए आपने क्या सौगात दी, क्या सोच रखा आपने, क्यों वहाँ पर आपने किया? आपको तो हर टोली मोहल्ले गली में करनी चाहिए कि आपकी जब डबल इंजन की सरकार थी तो किस तरह से यहाँ के भोले भाले जनता को वोट लेने के लिए गलत प्रलोभन दे के लूटा। एक अहम सवाल आ रही है कि कल बहुत सारी ऐसी अफवाहें आई कि आलमगीर आलम को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपकी पार्टी क्या चाहती है? देखिए, इस्तीफा तो उनको देनी थी, वो जनप्रतिनिधि हो करके मंत्री हुए और उनके यहाँ से, उनके नौकर के यहाँ से, पीए के नौकर के यहाँ से इतनी बड़ी रकम निकली है तो नैतिकता के आधार पर देना चाहिए। यदि वो नैतिकता खत्म हो जाती है तो संविधान खत्म हो जाता है। वही 1932 की खतियान जो है उसकी मांग कर रहे हैं, तो क्या आप अगर सांसद बने जाते, चुने जाते हैं, तो आप क्या इन आदिवासी हो या महतो हो, उनकी मांगों को आप कैसे पूरा करेंगे? देखिए, राज्य में सभी लोगों को रहने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। जातिगत व्यवस्था में हमारे जनप्रतिनिधियों ने, पार्टियों ने बांटा है। आज 2 धाराएं चल रही है, बीजेपी धर्म के नाम पे बांट रही है, कांग्रेस जाति के नाम पे बांटी, और जातिगत वोट का वो हकदार सोची कि हम ही उसके हकदार हैं, लेकिन विकास का कोई कार्य नहीं हो पाया। रही बात 1932 की खतियान की, यदि ये न्याय संगत है, लोगों की मांग है, तो इसको लटकाया क्यों जा रहा है? तुरंत इसको पूरा करना चाहिए, यदि उसमें विसंगतियां हैं तो उसको दूर करनी चाहिए। सरना धर्म कोड जो है, मांग चल रही है, लोग केवल नेता बन रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, केवल बयानबाजी कर रहे हैं। आज जो आप महतो की बात कर रहे हैं, जो जिनको कुर्मी महतो को दर्जा चाहिए आदिवासी, केवल बार बार जो ना मुद्दे को उठाते हैं, 1932 खतियान की, सरना धर्म कोड की, उसके लिए हम लड़ेंगे। हमारे यहाँ जो जिनकी मांगे हैं और वो न्याय उचित है, उसमें हमारा प्रयास होगा। जैसे आप देख रहे थे, भारतीय जनतंत्र मोर्चा और रांची लोकसभा के प्रत्याशी धर्मेंद्र तिवारी हमारे साथ बेवाक मुखर होके बातें की, और वो तमाम मुद्दे, चाहे वो आदिवासी के हित में हो या झारखंड की जो रांची लोकसभा के जनता हो उनके हित, 1932 की खतियान हो या आदिवासी में महतो को शामिल करने की बात हो, ये बातें खुल के बात की अपने सहयोगी सिंटू के साथ। शंकर ठाकुर, रफ्तार मीडिया के लिए।